हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फॉर मैजिक ब्रिक्स MBTV। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति शाह और आज हम लोकेलिटी रिव्यू करने वाले हैं पुणे के एक बहुत अहम एरिया का जो है वाकड़। तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसमें आपको वाकड़ से जुड़ी सारी ज़रूरी बातें बताई जाएंगी। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल MBTV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रीसेंट नोटिफिकेशंस। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं जो हमें वाकड़ तक ले जाएगा। चलिए पहले कि आज के वाकड़ को हम करीब से जानें, चलिए इसके इतिहास को थोड़ा समझ लेते हैं। पूज्य स्थल मातोबा मंदिर में होने वाला धार्मिक मेला जिसे जत्रा के रूप में जाना जाता है, वाकड़ उसके लिए प्रसिद्ध है। एक दो डिकेड्स पहले की बात करें तो वाकड़ में गन्ने, मूंगफली और प्याज की खेती की जाती थी, पर बीते कुछ सालों में वाकड़ में अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और आज के वक्त में जिसने इस लोकेलिटी की काया पलट दी है। पुणे की नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स में स्थित वाकड़ PCMC यानी कि पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। इसके ईस्ट साइड में आता है पिपले निलक, पिपले सौदागर, औंध, और वाकड़ के वेस्ट साइड में हिंजवाड़ी जिसमें राजीव गांधी इंफोटेक पार्क आते हैं। वहीं इसके नॉर्थ में ठेरगांव, आकुड़ी, चिंचवड़ और रावेत हैं, जबकि साउथ की तरफ मुला रिवर, बानेर, बालेवाड़ी और पाषाण आते हैं। इन प्रोमिनेंट लोकेलिटीज को वाकड़ से कनेक्ट करता है चौड़ी सड़कें, अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का जाल। मुंबई बेंगलोर एक्सप्रेसवे वाकड़ के थ्रू पास होता है। इसके अलावा औंध रावेत BRTS रोड, डांगे चौक रोड, दत्त मंदिर रोड वाकड़ के मेन अप्रोच रोड में से है। वाकड़ से पुणे का सेंट्रल शिवाजी नगर लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं भुजबल चौक पर बना हुआ फ्लाईओवर वाकड़ को हिंजेवाड़ी से जोड़ता है। मुंबई पुणे हाईवे और हिंजेवाड़ी IT पार्क के करीब होना वाकड़ के डेवलपमेंट का अहम कारण है। नज़दीक में स्थित हिंजेवाड़ी IT पार्क वाकड़ के लिए एक ग्रोथ ड्राइवर साबित हुआ है। साथ ही पुणे की सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट हब्स की प्रॉक्सिमिटी की वजह से भी वाकड़ रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वाकड़ की एक खास बात और है कि ये लोकेलिटी पुणे की सॉट आफ्टर लोकेलिटी जैसे कि औंध और बानेर के भी काफ़ी करीब हैं। साथ ही इसके आसपास है नैनो स्पेस, तीर्थ टेक्नो स्पेस और प्रभावी टेक पार्क जैसी बिल्डिंग्स। पिंपरी चिंचवड़ इंडस्ट्रियल बेल्ट भी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चाकन, तलेगांव MIDC जैसे एम्प्लॉयमेंट हब्स भी वाकड़ से करीब 25 किलोमीटर दूर हैं। कैब्स और ऑटोज की अवेलेबिलिटी की वजह से वाकड़ से पुणे के बाकी एरियाज तक इजीली कम्यूट किया जा सकता है। विप्रो चौक बस स्टैंड और दिसले बस्ती सबसे नज़दीकी बस स्टॉप है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लोकेलिटी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और पुणे रेलवे स्टेशन लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। जल्द ही वाकड़ में मेट्रो भी आने वाली है। लाइन 3 जो हिंजेवाड़ी को सिविल कोर्ट से कनेक्ट करेगी वो वाकड़ से होकर गुजरेगी। इसमें टोटल 22 मेट्रो स्टेशन रहेंगे जिनमें से एक होगा वाकड़ चौक। जैसे जैसे वाकड़ में रेसिडेंशियल डेवलपमेंट देखे गए हैं वैसे वैसे वाकड़ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी इवॉल्व हुआ है। वाकड़ एक अच्छे एजुकेशनल हब की तरह भी डेवलप हो रहा है। यहाँ कई रेप्यूटेड कॉलेजेस एंड स्कूल्स लोकेटेड हैं। यहाँ पुणे का फेमस DY पाटिल यूनिवर्सिटी मौजूद है। इसके अलावा इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी वाकड़ से बहुत नज़दीक है। स्कूल्स की बात करें तो विजडम स्कूल और यूरो स्कूल जैसे रेप्यूटेड स्कूल्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। इस एरिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल है। इसके अलावा लाइफ पॉइंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, NRS हॉस्पिटल, गोल्डन केयर हॉस्पिटल भी वाकड़ के इर्द गिर्द हैं। मॉल्स की बात करें तो जियोन मॉल और वेस्टर्न मॉल यहाँ से कुछ दूरी पर हैं। इसके अलावा अगर आप नाइट लाइफ और पार्टीज का लुत्फ उठाना चाहते हैं
तो वाकड़ के नजदीक ही पुणे का एंटरटेनमेंट जोन बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट भी है। आईपीएल मैचेस का पॉपुलर वेन्यू एमसीए स्टेडियम वाकड़ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। मुंबई और पुणे के रेसिडेंट्स यहां छोटे ब्रेक्स और स्टेकेशंस के लिए आना पसंद करते हैं। वीकेंड्स पर गेटअवेज और हाइकिंग के लिए कुछ फेमस स्पॉट्स भी आपको पास ही मिल जाएंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के करीब होने की वजह से यहां से बसेस और टैक्सी सर्विस मिल जाती है। वाकड़ में कई सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं और कई सारे आईटी ऑफिसर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने के कारण यहाँ काफी स्टूडेंट्स और यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स का अच्छा फुटफॉल रहता है। मजबूत सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण वाकड़ रिहायशी इलाके के तौर पर भी निराश नहीं करता। यहाँ आपको 1 से 4 बीएचके तक सभी यूनिट टाइप्स मिल जाएंगे, वो भी अफोर्डेबल रेंज में। लेकिन वाकड़ की मोस्ट प्रिफर्ड प्रॉपर्टी टाइप है 2 बीएचके, जो सभी प्रॉपर्टीज का 56% हिस्सा कवर करता है। यहाँ आपको काफ़ी रेंटल ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अगर आपको वाकड़ में अवेलेबल प्रॉपर्टीज फॉर सेल या रेंट की डिटेल चाहिए तो आप नीचे लिखे URL से मैजिक ब्रिक्स वेबसाइट पर जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब तक हमने आपको वाकड़ से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस लोकेलिटी में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अब चलिए नजर डालते हैं यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट सिविक इश्यूज पर। पीक आवर्स में ट्रैफिक कंजेशन यहाँ का कॉमन इशू है। मॉनसून में यहाँ वाटर लॉगिंग का भी सामना करना पड़ता है। गैस लाइंस की खुदाई की वजह से कहीं कहीं पर रोड डैमेज हुई है, उनकी मरम्मत सही तरीके से नहीं हुई है। गर्मी के महीनों में यहाँ वाटर सप्लाई लिमिटेड होती है और अक्सर वाटर टैंकर्स पर निर्भर करना पड़ता है। वाकड़ का जिस तेजी से विकास हो रहा है, ये बहुत जल्द औंद बानेर जैसी एस्टैब्लिश्ड लोकेलिटीज के लिस्ट में शामिल हो सकता है। इसके साथ ही आईटी हब हिंजेवाड़ी और पिंपरी चिंचवड़ के इंडस्ट्रियल बेल्ट से नज़दीकी की वजह से प्रोफेशनल्स इस एरिया को फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल पर्पसेस कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल चेन फिनिक्स मार्केट सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ सालों में मॉल के ऑपरेशनल होने के बाद इस एरिया को काफ़ी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। वाकड़ के लोकेलिटी रिव्यू में इतना ही। अब आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल MBTV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ योर होस्ट स्वाति शाह साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन संजय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।